हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आती है, वहाँ से वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने BEL की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर होम पेज पर करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। ये टर्म्स कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं। देन यहाँ पर सीरियल नंबर 2 पे दिया गया है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग यानी EAT। ये BEL गाजियाबाद के लिए है। 5 सितंबर 2022 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं एंड अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं क्या दिया गया है डिटेल्स। वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। 12949/GAT/EAT/01 ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। पोस्ट है इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए, जो शॉर्ट पे EAT बोलते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एंड मैकेनिकल ब्रांच में मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 6, OBC के लिए 2, SC के लिए 2 है, जबकि मैकेनिकल में 3 है, अनरिजर्व में 1 है, OBC में 1 है, WS में 1 है। सैलरी की बात करें तो 24,500 से लेकर 90,000 आपकी यहाँ पर सैलरी बनने वाली है। साथ ही यहाँ पर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। शुरुआत में EAT की ट्रेनिंग जो होगी 6 मंथ की ट्रेनिंग रहने वाली है। 6 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,000 पर मंथ दिए जाएंगे एंड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सेम सैलरी दी जाएगी, जो कि 24,500 से लेकर 90,000 के आसपास आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे अच्छी बात है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो EAT के लिए मैक्सिमम 28 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर में 31 ईयर है, SC ST के 33 ईयर है, PWD के लिए यहाँ पर 38 ईयर एज दी गई है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो उन्हें रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 295 है। SC ST PWD सर्विसमैन के किसी भी तरह के फीस आपको सबमिट नहीं करनी है, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। तो देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लास्ट डेट 5 सितंबर 2022 है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए वेबसाइट पर विजिट करना है। एप्लीकेशन लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू अप्लाई इंजीनियर असिस्टेंट, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लिक हियर फॉर क्रिएट लॉगिन, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो इस पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, री इंटर डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइंग फॉर जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिसिप्लिन कौन सा है, मैकेनिकल की इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको देखना है। एंड उसके बाद ईमेल आईडी, डोमेन नेम देना है, ईमेल आईडी री एंटर करना है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यस पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करके आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके 5 सितंबर 2022 से पहले सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।